अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड थ्री, हम पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, द वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला। इसमें एक आदमी, बूढ़ा आदमी होता है, उसके बहू और बेटा रह रहे होते हैं उसके साथ, और इसका पोता रह रहा होता है। तो बूढ़ा आदमी जो होता है बहुत कमज़ोर सा होता है, उसके हाथ से कांच की प्लेट गिर जाती है, वो टूट जाती है। तो फिर वो दोनों, उसके जो बेटा और बहू होते हैं, उसके लिए एक लकड़ी का प्याला लेकर आते हैं और उसको उसमें खाना देते हैं। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 16 है आपका। वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, एक शाम, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, ठेकला एंड मैनफर्ड हैड फिनिश्ड वर्क। ठेकला और मैनफर्ड ने अपना काम मुकम्मल किया फॉर द डे एंड वेयर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और अपना शाम का खाना तैयार करने लगे। व्हेन द मील वाज रेडी, जब खाना रेडी हो गया, दे कॉल्ड फॉर विलहम, उन्होंने विलहम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वेयर कुड डेट बॉय बी, लड़का कहाँ है आज, ठेकला, ठेकला ने पूछा। मैनफर्ड हैड नो आइडिया, मैनफर्ड को कोई ख्याल ना था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, इफ़ ही हैड सीन विलहम, अगर उन्होंने विलहम को देखा हो। बट द ओल्ड मैन शॉक हिज हेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने नफ़ी में सर हिला दिया। ठेकला एंड मैनफर्ड बिकम अ लिटिल वरीड, ठेकला और मैनफर्ड थोड़े परेशान हो गए। दे लुक आउट ऑन द स्ट्रीट, वो गली में देखने लगे, बट विलहम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलहम जो था वहाँ पर नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, उन्होंने देखा कि लाइट वर्कशॉप में लाइट ऑन है। दे वेंट टू लुक, वो देखने चले गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप, जब उन्होंने वर्कशॉप के अंदर कदम रखा, एंड फाउंड देयर सन, अपने बेटे को तलाश किया। सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो बैठा हुआ था, उसको फर्श पे बैठा हुआ पाया। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक था उसको काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो उस पर काम कर रहा था जितना से वो कर सकता था। आह, देयर आर यू, तुम यहाँ हो, सेड ठेकला, ठेकला ने कहा। व्हाट आर यू मेकिंग सन, तुम क्या बना रहे हो बेटे, आस्कर आस्ट मैनफर्ड, मैनफर्ड ने पूछा। विलहम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिजल, विलहम ने लकड़ी का ब्लॉक जो था वो नीचे रख दिया और छिनी को भी नीचे रख दिया। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, वो अपने फादर दादाजी को देखने लगा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल, मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, फॉर यू टू ईट फ्रॉम, ताकि आप उसमें से खाना खाएं। व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएं, रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, दोनों उसके वालदैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आँखें आंसुओं से भर गई। कम आ जाओ, डिनर इज़ रेडी, खाना तैयार, शाम का खाना तैयार है, सेड ठेकला सॉफ्टली, ठेकला ने आहिस्तगी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, अपने बाजुओं में ले लिया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक एट द हाउस, और वो तीनों अपने घर की तरफ वापस आ गए। आफ्टर दिस, इसके बाद ठेकला एंड मैनफर्ड ऑलवेज आस्क द ओल्ड ग्रैंड फादर टू सिट विद हिम देम एट द टेबल, उसके बाद ठेकला और मैनफर्ड हमेशा बूढ़े दादा जान को पूछते थे कि वो उनके साथ आए टेबल पर बैठ कर खाना खाएँ। ठीक है।